अल्टीमेटली ये अदालत ने फैसला करना है कि किस तरह इस केस को डील करना चाहिए उसको। लेकिन कोई ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद है अली जफर साहब जो आपको लगता है जिसके थ्रू नवाज शरीफ साहब को रिलीज मिल सके, कोई पहले की कोई मिसाल? मेरी नजर में ऐसा कोई पहला प्रेसिडेंट नहीं है, पहले कोई ऐसी जजमेंट नहीं मेरी नजर से गुजरी जहां इस तरह हुआ हो कि किसी को बीमारी की वजह से कहा गया हो कि आप ना पेश हों और मुझसे वो बाहर हों। लेकिन जिस तरह मैंने कहा ये फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ही करना है। अगर उन्होंने ऐसा फैसला किया कि अपील उनके नवाज शरीफ साहब के बगैर सुना की गई है बगैर ही सुनी जाए तो ये फिर मेरी नजर में एक मुनफरिद केस होगा। लेकिन जिस तरह हम सब एग्री करेंगे वकला मेरा ख्याल है इस कानूनी नुक्ते पे कि अपील में आपको पेश होना पड़ता है और फिर ही उसकी समाप्त होती है। जी जी, मलिक साहब इज ऑफ द सेम व्यू एज वेल। और मुख्तसरन ये बता दें अली साहब के अब ये जो इवन शहबाज शरीफ साहब भी खुद वो पेश हुए हैं और वो नैब में उन्होंने आज भी पेशी दी है, वो भी गारंटी तो उन्होंने दी थी जनाब नवाज शरीफ की, इसके बारे में बताइएगा कि अब उनका लीगली स्पीकिंग क्या स्टेटस होगा इस पूरे मामले पर? देखिए, जो उन्होंने गारंटी दी थी जहां तक मुझे याद है वो गारंटी उन्होंने हाईकोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में दी थी और वो इसलिए दी थी कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब बाहर जाना चाह रहे थे मुल्क से इलाज के लिए और उनको गारंटी ये दी गई थी कि उनको वापस लेके आएंगे। तो चूंकि गारंटी उन्होंने अदालत को दी थी कि मैं ये गारंटी करता हूं कि वो वापस आएंगे, तो अब ये अदालत और उनके दरमियान मामला है और जो गवर्नमेंट है हुकूमत है वो जरूर दरख्वास्त दे सकती है लाहौर हाईकोर्ट को और क्या रिक्वेस्ट कर सकती है कि चूंकि एक गारंटी आपने दी थी इन शहबाज शरीफ साहब ने तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि उस गारंटी के बावजूद नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो अब ये गारंटर जो है वो जाती तौर पे इसके जिम्मेदार हैं। तो आप कंटेम्प की या जो भी आपने प्रोसीडिंग करनी है